डेली नहीं कर रहे होते। हम ये कह देते हैं घास फूस पक का, चलो अंडा बना दो। मेरे बच्चे तो कहते हैं नगेट फ्राई कर दे मम्मा, मतलब डांट रही होती हूँ। अच्छा आपको, आप देखिए जो जानवर हलाल है जिसका गोश्त हम खाते हैं उनमें से अक्सर वो जानवर है जो ये खाते हैं। हाँ। ग्रीन खाते हैं, ग्रीन खाते और हमें ग्रीन की एक और शक्ल रेड मिलती है। हाँ। अगर खाते वो ग्रीन है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक ग्रीन के ऊपर एक और भी बड़ी इफादियत है कलर के हवाले से, बांझपन इनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम होता है खवातीन को, जी ग्रीन रंग फर्टिलिटी को इन्हेंस करता है औरतों में। अच्छा। या ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर की या तो चादर, शादी के फौरन बाद अगर इरादा हो के कंसीव करना है तो जो चादर रात को ओढ़ती है सोते वक्त या बेडशीट जो है वो ग्रीन हो, प्लेन ग्रीन, प्लेन ग्रीन, प्लेन ग्रीन, प्लेन ग्रीन, तो चांसेस है कि फर्टिलिटी इन्हेंस होगी, कंसीव करने में आसानी होगी। आसानी। वो दो चीजें, दो दो फवायद आप सब एक्सपर्ट सर आप बता दे तो अच्छा हो। चलिए मैं आपको ग्रीन कलर के बारे में एक और चीज भी बड़ी मशहूर है, ये एंटी स्ट्रेस है। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में जा रहे बहुत सारे लोग काम करते हैं, अगर स्ट्रेसफुल काम है, बास डिपार्टमेंट बड़े स्ट्रेसफुल होते हैं, सेल्स के बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं, तो वहां अगर इंटीरियर में ग्रीन ज्यादा हो, हम सेट कुछ ग्रीन कर दें नहीं यहाँ तो स्ट्रेस नहीं है। इनफैक्ट ये जो वायलेट कलर है ये तो रूहानी कलर है। अच्छा। ये विजदान का, इल्हाम का कलर है, दिस इज अ ब्यूटीफुल कलर। अच्छा। इस पे फोकस करने से इंसान की इंट्यूशन डेवलप होती है। तो ग्रीन कलर अगर एनवायरमेंट में होगा तो स्ट्रेस को काउंटर करता है ग्रीन, तो काउंटर जब करता है तो प्रोडक्टिविटी इन्हेंस होती है। अच्छा। तो जापान के अंदर बहुत सारी ऑफिस में वो डिपार्टमेंट्स जहाँ स्ट्रेसफुल जॉब है वहाँ ग्रीन कलर ज्यादा यूज किया जाता है और हम आमतौर पर नहीं करते।